हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चिलर में कितने तरह के सेफ्टी डिवाइस यूज किए जाते हैं, या अपना एचवीएसी सिस्टम जो एयर कंडीशन सिस्टम है उसमें कौन कौन से सेफ्टी डिवाइस लगाए जाते हैं। तो कुछ हम सेफ्टी डिवाइस के यहाँ पर नाम लिखे हैं, और भी सेफ्टी डिवाइस होते हैं, लेकिन 10 जो मेन इंपॉर्टेंट आपका जो सेफ्टी डिवाइस यूज होते हैं एयर कंडीशन सिस्टम में, उसके बारे में हम लिखे हैं चिलर में। आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, सबका हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके कि किसका कैसे फंक्शन कैसे काम करता है, क्यों यूज किए जाते हैं। सेफ्टी डिवाइस अगर हमारा सिस्टम में नहीं लगाया रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसके बारे में बताएंगे, और सेफ्टी डिवाइस को कैसे बाईपास करना है, कैसे बाईपास करके यूनिट को हम चला सकते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। आखिर देखिए, कभी भी क्लाइंट आपसे जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपको खुद से वर्क करना है तो आपको सेफ्टी डिवाइस का जो भी फंक्शन है इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा एचपी स्विच है तो एचपी स्विच का क्या फंक्शन है, ठीक है। वाटर फ्लो स्विच है तो वाटर फ्लो स्विच जो है हमारा क्या काम करता है। जब तक आपको उसके बारे में मालूम नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर सकते हैं। और अक्सर जो है क्लाइंट जब आते हैं, आप कहीं बाहर कंट्री के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं या इंडिया के लिए दे रहे हैं कहीं भी, तो आपसे सेफ्टी डिवाइस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि सेफ्टी डिवाइस जो है, अगर सेफ्टी डिवाइस अगर नहीं है, हमारा सिस्टम में नहीं लगाया हुआ है तो क्या प्रॉब्लम आएगा, बिना सेफ्टी डिवाइस का हम चला सकते हैं कि नहीं यूनिट को, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप काम किए हुए रहेंगे तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेफ्टी डिवाइस क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा देखा जाए तो सेफ्टी से ही नाम मालूम चल रहा है आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ चिलर का या कंप्रेसर जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है उसका सेफ्टी करने के लिए ये हम सेफ्टी डिवाइस को यूज करते हैं। जैसे हम पर्सनल, हम लोग कहीं पे काम करने जाते हैं तो अपना पीपी यूज करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये हमारा, ये भी देखिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में आप बताइए कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको एक एक करके एक्सप्लेन करना होगा। जैसे अभी नॉर्मली हम लोग हेलमेट यूज करते हैं, और अपना शूज हो गया, उसके बाद ग्लव्स हो गया, गूगल्स हो गया, तो इस तरह का हम लोग कुछ इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो उससे अगर हम नहीं पहनेंगे वो चीज, उसके बावजूद भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों यूज करते हैं हम लोग, वो हमारा सेफ्टी के लिए है। अगर मान लीजिए ऊपर में आप जहां पे हैं वहां पे ऊपर में कुछ काम चल रहा है, किस तरह से कुछ ये हो रहा है, तो उस बीच में क्या होगा कि आपका सर पे चोट लग सकता है, तो हमारा हेलमेट जो है वो सेफ्टी करता है हमारा बॉडी को। तो हमारा बॉडी एक तरह से समझिए कंप्रेसर है, जिस तरह से कंप्रेसर के लिए सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं उस तरह से हमारा बॉडी को आप समझिए, बॉडी का जो बाकी इक्विपमेंट हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं सेम लाइक यही है। तो सेफ्टी को जरूरत के हिसाब से हम लोग बाईपास भी कर सकते हैं। तो हम इसको एक एक्सप्लेन करेंगे। एचपी स्विच है, एचपी स्विच का मतलब, एचपी मतलब हो गया हाई प्रेशर स्विच। ये हमारा अपना कंडेंसर डिस्चार्ज लाइन में लगाया हुआ रहता है। इसका क्या है, जब सिस्टम का प्रेशर हाई हो जाता है, समझे, जब सिस्टम का प्रेशर हाई हो जाता है, जैसे मान लीजिए R22 रेफ्रिजरेंट है, R134 है, तो सब रेफ्रिजरेंट का अलग अलग प्रेशर होता है टेम्परेचर पे। तो उस तरह से मान लीजिए जो भी आपके पास रेफ्रिजरेंट, जो भी आपके पास गैस है, उस गैस का प्रेशर अलग रहेगा रेफ्रिजरेंट का। तो R22 है तो उसका मान लीजिए हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रेशर के तौर पर देखा जाए तो 270 से अपना 320 के बीच में हम लोग ऐसे चलाते हैं। फिर अगर उसका प्रेशर और हाई होता है तो अपना 340-350 तक भी जाता है, उतना तक टेम्परेचर, अगर आउटसाइड ज्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर है तो उस हिसाब से मेंटेन होता है। लेकिन आप देखिए अगर वो 400 जाएगा तो क्या है कि प्रॉब्लम करेगा सिस्टम को, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में हम लोग 400 पे उसको अगर सेट पॉइंट करके रखे हैं एचपी स्विच को, तो जब 400 हमारा प्रेशर आएगा तो हमारा जो है सिस्टम जो चल रहा है उसको डिसेट कर देगा, ट्रिप करा देगा। तो यही होता है एचपी स्विच का। और एलपी स्विच में सेम वही कंडीशन हो जाएगा, लो प्रेशर, अगर सिस्टम का प्रेशर अगर लो जाता है एक हमारा सेट पॉइंट पे, ये सबको आप सेट कर सकते हैं, सेट पॉइंट से अगर हमारा प्रेशर लो में जा रहा है तो उस सिचुएशन में हमारा सिस्टम को ट्रिप करा देगा। तो लो प्रेशर में क्या है कि ऑटो में रीस्टार्ट हो जाता है, लेकिन एचपी में क्या है, आपको मैनुअल, जब तक आप उसको रीसेट नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो चिलर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर, लेकिन एक चीज और है कि सिर्फ बस एक रिसेट करके या बाईपास करके चालू नहीं करना है कभी भी। एचपी से अगर ट्रिप किया तो क्या रीजन है उसको फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कंडेंसर फैन वगैरह अगर रोटेशन चेंज हो गया, या फिर अपना टूट गया, किसी तरह से फेज नहीं मिल रहा है, कंडेंसर गंदा है, तो उस सिचुएशन में हमारा हाई प्रेशर जाता है। तो हाई प्रेशर का रीजन हम पहले ढूंढेंगे, उसके बाद हम इसको रिसेट करेंगे, ओके, ये हो गया। और कभी भी जो हमारा सेफ्टी डिवाइस जो है, सेफ्टी डिवाइस को हम जो है सीरीज में लगाते हैं, ठीक है ना। और ऑपरेटिंग डिवाइस, ऑपरेटिंग डिवाइस कभी और बात करेंगे, ऑपरेटिंग डिवाइस को हम लोग क्या है, पैरेलल में लगाते हैं, न्यूट्रल ऑफ फेज उसके लिए चाहिए ऑपरेटिंग डिवाइस के लिए। सेफ्टी डिवाइस के लिए हमें
क्या चाहिए, सीरीज चाहिए। जैसे सीरीज में कनेक्शन कैसे बाईपास करने के लिए हम आपको बताते हैं, और बाईपास ओके ना, ये हमारा लाइन है, मान लीजिए ये फेज आ रहा है, ठीक है, ये लाइफ वायर है। तो अभी हमको एचपी का कनेक्शन करना है, तो एचपी का कनेक्शन करेंगे, एचपी से हमारा जो है ये हमारा एचपी है, दो कनेक्शन ये रहेगा। ये कभी भी सीरीज में हो जाती है, ये जो लाइन वायर जा रहा है ना, ये मान लीजिए आगे कंप्रेसर में जा रहा है, और कंप्रेसर ओके, तो अभी क्या है, कंप्रेसर में डायरेक्ट नहीं जाता है, बीच में कॉन्टेक्टर से होते हुए उसके बाद वो कंप्रेसर को कमांड मिलता है, ठीक है। ये हम आपको दिखाने के लिए दें कि मान लीजिए ये हमारा जो लाइन है कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए जा रहा है। एचपी जो है हमारा सीरीज में कभी भी लगता है, इसको न्यूट्रल फेज नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सीरीज चाहिए। तो सीरीज में एक पॉइंट को हम यहां कनेक्ट कर दिए, एक पॉइंट को यहां हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। एलपी का भी सेम कनेक्शन रहेगा, बाकी जो भी है। अब ये एचपी का जो डिवाइस रहता है, ये अपना कंडेंसर का डिस्चार्ज लाइन से, डिस्चार्ज लाइन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना, इधर से लाइन वायर आ रहा है। तो अभी क्या है, अगर हमारा एचपी मान लीजिए खराब होता है, एचपी किसी तरह से अगर डिफेक्टिव होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो ये हमारा क्या करेगा, ये लाइन को डिसनेक्ट कर देगा, ऐसे होकर के सीरीज में कंप्रेस कंटिन्यू जा रहा है पॉइंट। लेकिन जब ये प्रॉब्लम होगा तो क्या करेगा, यहां से डिस्कनेक्ट कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा, तो ये जो हमारा लाइन आ रहा है यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है ना, ये यहीं पे रुक जाएगा, तो फिर आगे हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, वो हमारा नहीं चालू होएगा। तो अब अगर मान लीजिए अब क्लाइंट को क्या है, क्लाइंट को अब रिक्वायर्ड है कि नहीं हमें अभी कूलिंग चाहिए रूम में, प्रॉब्लम है अभी दुकान नजदीक नहीं है, बहुत सारा कुछ, आपको मालूम चल गया कि हमारा ये कंडेंसर गंदा था इसलिए हमारा हाई प्रेशर से ट्रिप कर गया, ओके, या एचपी स्विच आपका आपका गेज में प्रेशर देख रहे हैं, सब कुछ सही है, जो भी चेक कर रहे हैं आप मैनुअल गेज लगा करके, मैनुअल आप चेक किए सब कुछ सही है, लेकिन एचपी स्विच ही खराब हो गया, ये फंक्शन बराबर नहीं कर रहा है, सिस्टम हमारा ट्रिप कर जा रहा है, तब सिचुएशन में आप क्या करेंगे। अभी क्लाइंट को बोल रहा है कि हमें रूम में ठंडा चाहिए, तब उसको कैसे भी क्या कहते हैं, ठंडा देना होगा ना, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बाईपास करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा डिस्कनेक्ट करके, ये जो दो वायर को है ये सीधा डिस्कनेक्ट कर दीजिए, इसको पूरा डिस्कनेक्ट कर दीजिए, ओके तो ये हम यहां से यहां कनेक्ट कर देते, ये हमारा आगे लाइन पास हो गया, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या काम था, इधर से होकर के हमारा लाइन जो गुजर रहा था, तो अभी उसको हम डिस्कनेक्ट कर दिए, बाईपास कर दिए, तो हमारा कंप्रेसर चलने लगेगा। तो ये होता है बाईपास करने के लिए। दूसरा हमारा एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट, ये भी हमारा चिलर का सेफ्टी के लिए यूज होता है। अब इसमें आपको जो है दो चीज बता दे रहे हैं, वाटर फ्लो स्विच और एंटी फ्रीज स्विच, समझ गए ना। जब वाटर फ्लो स्विच का क्या काम है कि अगर हमारा पानी का फ्लो नहीं हो रहा है, वो कंडेंसर हो या चिलर हो, दोनों में क्या कहते हैं एवोपरेटर में, पानी का फ्लो नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये पानी के फ्लो को चेक करता है, पानी का फ्लो नहीं हो रहा है तो पावर को डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए हम वाटर फ्लो स्विच हो, जैसे इसको बाईपास किए, इसको हम बाईपास करके रखे हुए हैं, अब फिर कहां से, अभी वाटर फ्लो पे तो क्या कहते हैं काम नहीं करेगा। तो एंटी फ्रीज जो है, एंटी फ्रीज को हम लोग जो है सेट करते हैं, मान लीजिए अगर चिलर का 7 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड है, वो भी चिलर पे अपना कट ऑफ होता है, वो भी काम नहीं कर रहा है, जो भी हो रहा है, तो फिर अभी क्या है, एंटी फ्रीज में जो हमारा है इसका सेट पॉइंट हम मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड में किए हुए हैं, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हम सेट करके रखे हुए हैं, लेकिन अगर वो हमारा जो भी कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, वाटर फ्लो स्विच को आप डायरेक्ट कर दिए, तो उस सिचुएशन में क्या है कि एंटी फ्रीज में अगर अब क्या है कि अभी सिस्टम के अंदर, अभी चिलर के अंदर पानी नहीं जा रहा है, तो पानी नहीं जाएगा तो क्या है कि अभी आइस बनना स्टार्ट होगा, पानी अगर कम क्वांटिटी में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो जो पानी उसके अंदर है वो चिलर हमारा चालू है, कंप्रेसर चालू है, तो उस सिचुएशन में क्या है, हमारा आइस बनने लगा, तो उससे क्या है बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, फट सकता है चिलर, तो इसके लेकर के हम लोग एंटी फ्रीज को यूज करते हैं। तो एंटी फ्रीज जो हमारा जो है वो 5 डिग्री में सेट है, तो फिर एंटी फ्रीज में कट ऑफ कर देता है, ठीक है। चौथा हमारा जो है ऑयल प्रेशर स्विच या ऑयल सेफ्टी स्विच, दोनों एक ही चीज है। ऑयल प्रेशर स्विच क्या है, हमारा सिस्टम में ऑयल जो रहता है, सिस्टम में ऑयल यूज किया जाता है कि हमारा मैकेनिकल डिवाइस है, तो सभी मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स को मूव कराने के लिए हमारा ऑयल की जरूरत पड़ती है। अगर मैकेनिकल डिवाइस जो भी लगा हुआ है, अगर उसका मूविंग पार्ट्स में अगर ऑयल नहीं रहेगा तो क्या है, बीच में क्लियरेंस आ जाएगा वो घर्षण होते होते, तो इसलिए हम लोग ऑयल प्रेशर यूज करते हैं। तो ऑयल प्रेशर का काम सिर्फ क्या है, जितना ऑयल प्रेशर होना चाहिए, अगर उससे डाउन जाता है तो हमारा वो सिस्टम को बंद कर देगा।
ये पांचवा देखिए हमारा क्या है, ऑयल लेवल सेंसर या ऑयल लेवल स्विच इसको बोलते हैं हम लोग, ऑयल लेवल सेंसर। इसका क्या काम है कि ऑयल का लेवल को चेक करता है। आप देखे होंगे साइड ग्लास में कंप्रेसर रहता है, साइड ग्लास में वो हाफ पोजीशन में रहता है या फुल पोजीशन में रहता है, ऐसा कुछ रहता है। तो अभी ऑयल का जितना रिक्वायर्ड चाहिए अगर उससे डाउन जाता है तो उस सिचुएशन में भी हमारा ऑयल लेवल सेंसर काम करता है और सिस्टम को ट्रिप करा देता है। इसका काम ये है, फेज रिवर्सल एंड फेज सिक्वेंस। अगर मान लीजिए थ्री फेज का मान लीजिए कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर अभी मान लीजिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है तब तो चलो ओके, किसी भी कंडीशन में चलेगा तो वो पंप होएगा और आपको रेफ्रिजरेंट सिस्टम कंडेंसर में जाएगा। लेकिन अदरवाइज बाकी हमारा ये है अपना स्क्रू चिलर है या स्क्रोल है, तो इस सब कंप्रेसर में अगर हमारा ये फेज अगर रोटेशन चेंज हो जाता है, सिस्टम का अगर रोटेशन चेंज हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका कंप्रेसर खराब हो जाएगा, ज्यादा हाई एम्स लेकर के या कुछ भी डिफेक्टिव हो सकता है जाएगा, तो उस सिचुएशन में हमारा ट्रिप करा देगा मशीन को, ठीक है, मशीन को बंद कर देगा। सिंगल फेज प्रिवेंटर या एसएसपी स्विच या फेज फेल्यूर स्विच भी इसको बोलते हैं। ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमको थ्री फेज चाहिए सिस्टम को चलाने के लिए, कोई भी मोटर है थ्री फेज चाहिए, कंडेंसर फैन मोटर है मान लीजिए उसको थ्री फेज चाहिए, या कंप्रेसर ही हमारा थ्री फेज जा रहा है, तो उसको उस सिचुएशन में मान लीजिए एक फेज किस तरह से जल गया या किसी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उस सिचुएशन में ये हमारा जो है फेज फेल्योर स्विच काम करता है और उस चीज को बंद कर देता है, ठीक है ना, और सिस्टम बंद जाता है, हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, रिलीफ वाल्व। ये रिलीफ वाल्व क्या होता है, जब आप एचपी को डायरेक्ट कर दिए हो, एचपी को डायरेक्ट करने के बाद क्या है कि आप हाई प्रेशर मोड सिस्टम ट्रिप आपका नहीं करेगा, तो अभी कंडेंसर में जो है ना एक रिलीफ वाल्व लगाया हुआ होता है, वो जब वो आपका वो कंडेंसिंग अपना कंडेंसर का डिजाइनिंग वो ट्यूब का डिजाइनिंग प्रेशर के हिसाब से रहता है, जब ज्यादा हाई प्रेशर हो जाता है ना उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसके अंदर एक मेल्टिंग पॉइंट रहता है उसका रिलीफ वाल्व के अंदर, वो आपका उतना प्रेशर उसको मिल जाएगा टेम्परेचर, तो उस सिचुएशन में क्या है कि वो रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद जितना सिस्टम में गैस है उड़ जाएगा। अब कंडेंसर अगर फटेगा तो फटने से क्या है बहुत सारा नुकसान हो जाएगा ना, तो उस नुकसान से बचने के लिए रिलीफ वाल्व भी लगाया रहता है। बहुत सारा सेफ्टी डिवाइस यूज किया जाता है कि सिस्टम लास्ट में जाकर कुछ बड़ा इशू बनता है, अगर बाकी छोटा छोटा चीज को हम लोग बाईपास कर दिए हैं या उसको ध्यान नहीं दिए हैं, उसको ऐसे ही चला रहे हैं, तब लास्ट में बड़ा सिचुएशन बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अदरवाइज अगर आप सेफ्टी डिवाइस पर फोकस किए हैं, सेफ्टी डिवाइस जो प्रॉब्लम कर रहा है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम जल्दी नहीं आता है, कंप्रेसर भी जल्दी नहीं जाता है, समझिए। ये हो गया रिलीफ वाल्व का काम, समझिए। तो उस सिचुएशन में गैस को रिमूव करता है, इसमें ऐसा सिस्टम बनाया रहता है कि जितना गैस आउट निकल गया उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, आपका गैस भी सेफ हो जाता है, जितना मतलब ज्यादा हो रहा था उतना गैस निकल गया, मान लो 500 psi चले गया, तो उस सिचुएशन में क्या है ये मेल्ट होने लगता है और बाहर निकल जाता है। दूसरा हमारा एक और हम लिखा था कुछ एक घट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, यहाँ पे तो नहीं मेरे को नजर आया, लेकिन एक OLP होता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, ठीक है ना। ये कंप्रेसर पे क्या करते हैं, जब ओवरलोड उसको पड़ता है ना उस सिचुएशन में भी ओवरलोड प्रोटेक्टर जो हमारा है काम करता है और सिस्टम को ट्रिप करा देता है, ठीक। ये था आज का हमारा चिलर से चिलर का सेफ्टी डिवाइस सब, और कंप्रेसर जो भी डीएक्स यूनिट पैकेज जो भी लगा हुआ है वो सबका सेफ्टी डिवाइस के बारे में आपको बताया, इसका फंक्शन वगैरह। अगर फिर भी कहीं पे कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, और आप कौन सा टॉपिक पे और कुछ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके बारे में भी मैसेज कीजिए, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस टॉपिक को भी बनाने का। चलिए फिर आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।